नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एरा ग्लोबल स्कूल इन योर मैथ्स क्लास। दिस इज योर नेहा मैम एंड वी आर लर्निंग चैप्टर 9 मेजरमेंट। राइट, हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी अपना मेजरमेंट का ही चैप्टर किया था एंड टुडे आल्सो वी विल एंड आवर क्लास विद दिस चैप्टर ओनली। राइट, सो किड्स, ऑलमोस्ट वी हैव कम्प्लीटेड आवर बुक वर्क। हमारा बुक का काम हमने कम्प्लीट कर लिया। लेट्स गो थ्रू दैट कि क्या क्या हमने कंप्लीट किया। सो डियर किड्स, इन आर लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 6, दैट वाज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी। राइट, एक्सरसाइज वी हैव डन हाफ इन क्लास वर्क, हाफ वाज योर होमवर्क। दिस वर्ड प्रॉब्लम दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड यस ओनली 4 एंड 5 वी हैव डन फॉर क्लास वर्क ओनली। And in online classes on Friday we have done this practice sheet, right? हमने ये question number 1 solve the following A B C D E F ये सब हमने online classes में किया था। The kids who were not present that time, please complete this. This is simple addition and subtraction. We have already done this thing, right? हमने already ये सारा कर लिया है अपने लास्ट एक्सरसाइज में। ओके, सो देयर इज नो डिफिकल्ट, आई थिंक सो कि आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। ध्यान से करना, सब्ट्रैक्शन में बोरो वाला भी है, एडिशन भी है यहाँ पे। सो जो किड्स का नेटवर्क प्रॉब्लम था, समवन का किसी ने एड ज्वाइन नहीं किया, तो प्लीज ओनली क्वेश्चन नंबर 1, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम नहीं करेंगे। राइट, दिस हैज नॉट टू बी डन, ये अभी हमें नहीं करना है। You have to do only question number 1 का A to F. It's very simple. Addition and subtraction. Solve the following में subtraction और addition दोनों होते हैं, right? So please try to complete this. If you are still unable to do, I will send you PDF after completing this, right? तो आज आप ये complete करने के try करना, then next day I will send you PDF. Okay? चलो, Now what we are going to do today, क्योंकि हमने अपना सिलेबस इसमें तो खत्म कर लिया, and this is the revision portion, ये हम बाद में करेंगे, right? After vacation के बाद भी तो कुछ चाहिए हमें, तो we will do in this one after that. तो आपका revision भी हो जाएगा. So today kids, we are doing our PA2 worksheet का chapter number 9, क्योंकि worksheet में अब हमारा एक ही chapter बाकी रह गया है ना? So please be ready with your PA2 worksheet, this one. It's the revision sheet, heading up ka hai and PA2 ka hai. Okay, so we will do chapter 9 in this sheet because we have already finished 2 chapters, that is fraction and division in revision sheet also. Okay, here I am ready with your revision sheet and take out chapter 9 on that. Yes, this is your chapter 9. Write down date. Sorry, chapter 9 I am writing. 9 to likha hua hi hai. You have to write date, that is 20-10-20. Right? Aur hum aaj ye finish karenge. There are only 4 pages and they are very easy. We have already practiced lots in this. तो ये आपका जल्दी हो जाएगा। चलो स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस मेजरिंग लेंथ। सबसे पहले आपको हेडिंग पढ़ना है, राइट? कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटीमीटर इनटू मीटर। ये सारे सेंटीमीटर्स को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, राइट? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, लाइक वाइज इट विल मूव, राइट? इट विल गो। सो यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर बनाना है। सो 200 सेंटीमीटर 2 मीटर, 500 सेंटीमीटर 5 मीटर, 700 सेंटीमीटर
7 meter. Easy na? Yes, it's very easy. So, chalo, let's move to question number 2. Convert the following grams into kilogram. ये जो ग्राम में दिया हुआ इसको हमें किलोग्राम दैट इज केजी में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? दैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 kg. 1 kg में 1000 ग्राम होता है, राइट? 2 kg में 2000 ग्राम. और इसका रिवर्स होगा, जैसे 1000 इज इक्वल टू ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, है ना? क्योंकि दिस इक्वल टू दिस, सो दिस इक्वल टू दिस. 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg, 2000 ग्राम इज इक्वल टू 2 kg, 3000 ग्राम इज इक्वल टू 3 kg. तो लाइकवाइज ये हम कंप्लीट करेंगे. 7000 ग्राम इज इक्वल टू 7 kg, क्योंकि ग्राम में ये नंबर ज्यादा होंगे, केजी बहुत ज्यादा बिगर है इसलिए उसमें कम आता है. 7 kg इज इक्वल टू 7000 ग्राम. केजी बिग यूनिट है, ग्राम स्मॉल यूनिट है, है ना? अगर हम 1 kg पोटैटो लेंगे तो कितना ज्यादा होगा, और अगर ग्राम में समझो 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें एक या दो ही पोटैटो आएंगे, बट अगर 1 kg लेते हैं तो उसमें 7 to 8 पोटैटोज आ जाएंगे, है ना? तो ग्राम की क्वांटिटी यूनिट में कम होती है और केजी ज्यादा होता है. तो 7000 ग्रामों का तो वो केजी में का कन्वर्ट करेंगे तो 7 kg बन जाएगा, है ना? 7000 ग्राम इज इक्वल टू 7 kg, 4000 ग्राम इज इक्वल टू 4 kg, 3000 ग्राम इज इक्वल टू 3 kg. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिलीलीटर इनटू लीटर. हमने 3 मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट देखे, 3 मेजरमेंट में हमने लर्न किया लेंथ वेट एंड कैपेसिटी, राइट? तीनों की यूनिट्स हमने लर्न की कि लेंथ में मीटर सेंटीमीटर, वेट में ग्राम किलोग्राम, एंड कैपेसिटी का मिलीलीटर लीटर. स्मॉल यूनिट होगा तो मिलीलीटर, बिग यूनिट है तो लीटर. नाउ हमें कन्वर्ट करना है मिलीलीटर को लीटर में. उसका क्या है, वी शुड नो दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. अभी इसका भी उल्टा, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. ये एल है, ओके? डोंट गेट कन्फ्यूज कि दोनों वन है, दिस इज एल. सो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. अब इसका रिवर्स, 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. तो यहाँ पे सेम, 1000 मिलीलीटर 1 लीटर, 5000 मिलीलीटर 5 लीटर, 9000 मिलीलीटर 9 लीटर. इट मीन्स अगर आप शॉपकीपर को जाके बोलोगे मुझे 1000 ml मिल्क चाहिए, उसने आपको 1 लीटर की पैकेट दिया, तो इट मीन्स सेम. आप उससे झगड़ा मत करना कि अंकल मैंने तो 1000 मिलीलीटर मांगा, आपने 1 लीटर दिया, है ना? बिकॉज दिस बोथ आर सेम. अगर हम 1000 ml बोले या 1 लीटर बोले, दीज आर सेम. 5000 ml बोले या 5 लीटर बोले, दीज आर सेम, दीज आर इक्वल. 5000 ml का मतलब 5 लीटर, 5 लीटर का मतलब 5000 ml. ये छोटा यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, राइट? दिस इज द वे वी हैव टू डू, करेक्ट? तो नेक्स्ट लेट्स मूव टू पेज नंबर 2. एंड सबसे पहले पेज नंबर दे दो, चलो, जैसे हमने डिवीजन और उसमें भी किया था. 1, 2, 3 एंड द लास्ट इज 4. चलो हमने 1 पेज तो कर लिया, अब पेज नंबर 2 में करना है. एंड किड्स, इसका PDF मैं आपको नहीं भेजूंगी. व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. पूरा रिवीजन सीट का मैंने नहीं भेजा है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप ये अपने आप करो और अपने आप चेकिंग भी करो, सेकेंड टाइम चेक करना कि इज इट राइट और रॉन्ग, है ना? सो अगर आपका रॉन्ग लगे तो 2 बार प्रैक्टिस उसको चेक करो, ओके? बिकॉज इट इज सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जो ऑलरेडी हमने टेक्स्ट बुक में बहुत सारा कर लिया है. सो प्रैक्टिस एंड चेक, एक बार करने के बाद
चेकिंग करना जरूरी है सो दैट यू कैन फाइंड योर मिस्टेक इफ इट इज देयर. नहीं है दैट इज वेरी गुड, यू ऑल आर वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, राइट. चलो लेट्स मूव टू द पेज नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एड द फॉलोइंग, दिस इज एडिशन, राइट. सो 5 + 2 = 7, 3 + 4 = 7. इजी. सो अब हम करेंगे 3 डिजिट. जो जो मैंने किया दैट इज क्लास वर्क, जो बाकी रहेगा दैट विल बी योर होमवर्क. चलो 5 5 10 1 कैरी, 5 + 6 सिक्स इन माइंड, 5 इन फिंगर, 7 8 9 10 11, 11 आफ्टर दिस वन 12, यस उसको तो काउंट करना ही है. अगेन 1 कैरी, सो 5 3 और 1, 5 इन माइंड, 3 इन फिंगर, 6 7 8, और 8 आफ्टर दिस 1 9. एंड प्लीज रिमेम्बर कि जब भी हम एडिशन करेंगे आपको अच्छे से प्लेस वैल्यू देखना है. मैंने यहाँ 100 tens ones नहीं लिखा है, बट स्टिल इन दोनों का एडिशन यहाँ इसके नीचे ही आना चाहिए. दिस टू एडिशन शुड कम हियर ओनली, दिस टू हियर ओनली. ओके, प्रॉपर वे में करना, उल्टा पुल्टा या कोई यहाँ लिखेगा कोई यहाँ लिखेगा, नो. यू शुड चेक द प्लेस वैल्यू. यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ये नंबर्स तो है ना, सी कैसे मैंने ये और ये इसके नीचे लिखा, तो आप भी इसके नीचे ही लिखोगे. नाउ दिस इज विदाउट एडिशन, यू कैन डू विदाउट कैरी, यू कैन डू, दिस इज ऑल्सो ईजी. सो दिस आई थिंक यू कैन डू, इट्स वेरी ईजी. तो चलो लेट्स मूव टू सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. 9 में से 3 गया 6, 6 - 2 = 4. नाउ नंबर 2 आई विल डू, क्योंकि ये बोरो करना पड़ेगा बिकॉज 0 में से 5 नहीं जाएगा. सो 0 ने इससे बोरो किया, दिस बिकम 10 और ये बिकम 7. ये वाला प्रोसेस आपको पहले ही कर लेना है, जिससे लोगे उसका नंबर कट के क्या होगा. अदरवाइज अगर आपने सोचा ये पहले कर लूँ तो आप ये भूल जाओगे, तो आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा. तो जब आप बोरो करते हो तो जस्ट कट दिस नंबर एंड राइट द बिफोर नंबर. ओके, नाउ 10 - 5 = 5, 7 - 5 = 2. डन, दिस इज ईजी विदाउट बोरोइंग, यू कैन डू. दिस इज ऑल्सो विदाउट बोरो, दिस इज ऑल्सो विदाउट बोरो. चलो एक हम ये करते हैं एंड दिस विल यू विल ट्राई. 0 में से 1 नहीं जाएगा, बोरो करना पड़ेगा, राइट. तो ये आप अपने से ट्राई करना. आई विल डू दिस फॉर यू. 5 - 2 = 3, 3 - 1 = 2, 6 - 4 = 2. नाउ एक ही आपको बोरो वाला है क्योंकि 0 में से 1 नहीं जाएगा, 0 इज स्मॉलर. तो आप ये कर लोगे, जस्ट आई एम डूइंग दिस वन. ये हो गया 10 और ये हो गया 5, राइट. चलो नाउ सॉल्व द फॉलोइंग, इसमें प्लस माइनस दोनों होगा, है ना. तो लेट्स डू 6, से दिस इज एडिशन, 6 + 4 = 10, 1 कैरी. 5 + 2, ये आपको आता है मेथड, 5 इन माइंड, 2 इन फिंगर, फिर उसमें 1 ऐड करना है. ओके, सो ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ. ओके, 5 + 2 = 7, 7 + 1 = 8, 3 + 4 = 7, 6 + 3 = 9. नाउ सब्ट्रैक्शन, ये विदाउट बोरो आप कर सकते हो. आई एम डूइंग दिस फॉर यू, दिस इज ऑल्सो विदाउट बोरो बट स्टिल आई एम डूइंग. 5 - 3 = 2, 4 - 3 = 1, 5 - 1 = 4, 6 - 1 = 5, 8 - 2 = 6. Very simple, na? So this will be your homework. Only one in this. This is 5 - 3, 6 - 2 = 4. This is 4. Right? So now page number 3. And jo jo isme left hai, that is for you. You will complete this. Right? Now this is addition and subtraction of weight. That was of length. हमने लेंथ वाला किया, ये वेट वाला, दैट इज केजी एंड ग्राम. सो 3 + 2 = 5, 6 + 1 = 7. दिस इज ऑल्सो इजी, ऑल आर वेरी इजी, दिस यू कैन डू इट योर होम, राइट.
So now question number 2, subtract the following. 7 minus 3, 4, 6 minus 3, 3. Now I will do last one for you. 2 minus 1, 1. 1 minus 1, 0. 7 minus 3, 4. 2 minus 1, 1. 1 minus 1 gaya to 0. 7 minus 3, 4. Now the next. Solve the following. Again solve the following mein plus, minus, dono hoga. Right? So this is addition. 7 plus 2. 9, 8 plus 1, 9, 3 plus 2, 5. And remember, this is the we are doing of weight, that is kg and gram. I will explain you ki kaise hum iska answer bolenge, right? 4 plus 4, 8, 8 plus 3, 11. Ab dekho 11 hai, just yahan pe. Ye iske niche, ye blank wali jagah hai, wo yahan pe one likho. What is my answer? 118 kg, 599 gram. 118 kg, 599 gram. You have to read your answer like this. Kg or gram bolna hai. Okay. This is 87 kg, 556 gram, minus 25 kg, 323 gram. This is simple. You can do. Now see. Number C. 95 kg, 897 gram, 52 kg, 324 gram. Chalo, I am doing this for you. 7 minus 4, 3. 9 minus 2, 7. 8 minus 3, 5. 5 minus 2, 3. 9 minus 5, 4. So, answer is 43 kg, 573 gram. आपको आंसर्स जब भी देना हो, इवन ऑन द ऑनलाइन क्लासेस मैंने देखा कुछ बच्चों ने वेरी नाइसली आंसर दिया, दे हैव रिटन यूनिट्स विद देम विद दैट थिंग, और किसी ने नहीं लिखा. सो किड्स, व्हेनेवर यू आर गिविंग ओनली आंसर, यू हैव टू मेंशन केजी और ग्राम और सेंटीमीटर मीटर, व्हाटएवर यूनिट इट इज गिवन. जो भी यूनिट का आप करोगे आंसर्स में, यू हैव टू मेंशन दैट दिस इज 43 kg, 573 ग्राम. राइट, तो दिस इज द करेक्ट वे टू tell your answer. Okay, chalo, now next let's move to last page, that is page number 4. Now this is the practice addition and subtraction of capacity. Chalo, let's do fatafat. 8 plus 7 milliliter, 15 milliliter. Now 36 milliliter plus 45 milliliter, 6 plus 5, 11 का 1, 1 कैरी, 4 इन माइंड, 3 इन फिंगर, 5, 6, 7, 7 प्लस 1, 8. So this you can do for homework. I am doing the last one. 6 plus 5, 11, 1 कैरी, 4 इन माइंड, 3 इन फिंगर, 5, 6, 7, 3, 1, 8. 5 प्लस 3, 8. The rest you can do for your homework. Now, next question number 2, solve the following. Kids, I am giving all this for you to complete in one day only because it's very easy. Bacha, agar aap karoge ek hi time, just 1 hour bhi nahi lagega, you will finish your whole chapter in worksheet, this revision sheet mein whole chapter, matlab measurement ka chapter, aap ek ghante se bhi kam time mein kar loge. I am very sure about that because it's very easy and you all are very good student. आप सबको आता है ना? सो ट्राई टू कंप्लीट इन वन डे ओनली, वन आवर ओनली. ओके, चलो. नाउ दिस इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. 9 माइनस 4, 5. 7 माइनस 3, 4. आंसर इज 45 लीटर. दिस इज लीटर. दिस इज इजी, दिस इज इजी, यू कैन डू. दिस इज ऑल्सो इजी. आई एम डूइंग दिस एंड दिस फॉर यू. जीरो में से थ्री नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 10. इससे बोरो किया तो ये जीरो हो गया. राइट, 10 माइनस 3, 7. 3 के बाद से 10 तक जाना है. अब ये हो गया जीरो तो ये जीरो में से 4 नहीं जाएगा तो ये इससे बोरो करेगा तो ये हो गया 10.
और ये हो गया 6. नाउ 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 2 4, 8 माइनस 0 8, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 3 3. नाउ दिस इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 3. अगेन सेम प्लस एंड माइनस प्लस. चलो लेट्स डू 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 3 ऑल्सो 5. राइट, दिस इज लीटर एंड मिलीलीटर. ये मिलीलीटर का किया लीटर, लीटर मिलीलीटर, पर ये दोनों मिक्स लीटर एंड मिलीलीटर. सो 621 लीटर 243 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर 312 मिलीलीटर. 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 1 7. Right. Now this you will do your homework. This is also easy. Plus say you can do. Chalo, I am doing this for you. Ye homework kar lena. 4 minus 1, 3. This is subtraction. 7 minus 3, 4. 8 minus 2, 6. 5 minus 5, 0. 3 minus 1, 2. 4 minus 1, 3. 7 minus 3, 4. 8 minus 2, 6. 5 में से 5 गया 0, 3 minus 1, 2. So answer is 20 liter, 643 milliliter. Right? This is the correct way to tell the answer. So kids, solve the following only one homework. And baki, this all. So complete your this revision set. Okay? If the madam se baith ke, with a fresh mind, complete your worksheet. So that at the checking time you can send me your revision set with your complete work. Okay? So आपको क्या क्या भेजना है checking के लिए? Revision set, PA वाला, PA 2 का, your textbook, right? 3A notebook. 3B नहीं भेजनी है आपको. Okay? You have to send 3A notebook, math textbook, PA 2 revision set and टर्म वन का पेपर जिसका चेक नहीं हुआ है उसको पेपर भेजना है. ओके, जिसका चेकिंग नहीं हुआ था, जो लास्ट टाइम जिसे नहीं भेजा होगा या बाय मिस्टेक हमसे चेकिंग करना रह गया होगा, तो प्लीज सेंड दैट. ओके, सो किड्स दिस मच फॉर टुडे. बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डेज, हैव अ ग्रेट टाइम.